हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में जिनके बाद आप हाई सैलरी जॉब्स और वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी सैचुरेशन हो गया है। रीजन ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ गिनी चुनी स्ट्रीम्स में ही कोर्सेज करते हैं। उनमें कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि टैलेंट और नॉलेज होने के बाद भी हाई सैलरी जॉब्स पाना मुश्किल हो गया है। साथ ही टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ट्रेंड्स को मैच करने वाली स्किल्स सिखाए नहीं जाते हैं। और आज हम ऐसी फील्ड्स की बात करेंगे जो न सिर्फ फ्यूचरिस्टिक हैं, बट आल्सो न्यू एज इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आपको एंटर करने में हेल्प करेंगे। इन फील्ड में इनिशियल सैलरी तो अच्छी ही है, बट ग्रोथ का स्कोप भी काफी वाइड है। आज डिस्कस किए हुए सभी कोर्सेज के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो डिपेंड करेगी कि आप किस प्रोफाइल पर और कौन सी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। टॉप पोजीशंस या हाईली एडवांस्ड वर्क वाले जॉब्स बहुत हाई पेइंग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। हर इंजीनियरिंग फील्ड अपने में बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल है, बस डिपेंड करता है आपका पैशन किसमें है। पैशन हो तो आप इनमें से हर फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज की वीडियो की प्रायोजक है अनअकैडमी, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और पास आउट इंजीनियर्स के लिए फ्री क्लास और कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग में एक एडवांस्ड करियर चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। नंबर 1, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं। आजकल 2 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस पर भी आईटी प्रोफेशनल 50% से 100% तक हाइक पा रहे हैं। ये एक ऐसी एवरग्रीन फील्ड है जिसमें आप रिमोट एंड इन ऑफिस दोनों में अर्न कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा रहेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर हर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर हो। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री फ्यूचर और डिजिटल होने वाली है, लाइक वेब 3.0, मेटावर्स एटसेट्रा। इस सब के लिए 5th के बच्चों को तक कोडिंग सिखाई जा रही है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम पसंद है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है और आपकी मैथ भी ठीक ठाक है तो ये फील्ड बेस्ट है। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी पर वर्क करना चाहते हैं तो आप CS इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इंडिया में अभी इस फील्ड में कंपटीशन कम है, बट स्लोली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हर फील्ड में कोडिंग की नीड है, इसे सब सीख रहे हैं। बट अगर आप स्किल्ड हो तो कॉम्पिटिशन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th विद PCM पास कर चुके हैं तो आप CSE कर सकते हैं। इस जॉब का इंडिया में सैलरी रेंज 6 to 25 lakhs तक का है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड पोजीशन। और हाँ, अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, आपको डेली 10-10 घंटे स्क्रीन पे रहना, कोड करना पसंद नहीं है तो आपके लिए ये फील्ड सही नहीं है। आपके लिए हम 9 और इंजीनियर कोर्स बताएंगे जिसमें आपका पैशन हो वो कर सकते हो। और हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली जाए। मुझे लगता है 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हमें तभी करनी चाहिए जब हमें टॉप कॉलेज मिले, लाइक NIT, IIT, BITS, DTU जैसे अच्छे कॉलेज। वहाँ आपका 4 इयर्स वर्थ रहेगा और अच्छी प्रोफाइल से जॉब स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स लोन लेकर टेरिबल से प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और 4 साल वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन कॉलेजेस में पैसा लूटा जाता है, ना एजुकेशन, ना एक्सपोजर और ना प्लेसमेंट्स। 4 इयर्स की इंजीनियरिंग लाइफ एंजॉय करके थ्योरी के बेस पर पास इजीली हो जाते हैं, बट फिर अच्छे जॉब्स की सर्च में और 2-3 साल तक वेस्ट होते हैं। सो अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पा रहे हो तब तो सही है, अदरवाइज प्राइवेट में पैसे वेस्ट करने से बेहतर है डिस्टेंस या रेगुलर कॉलेज से BSc में एडमिशन ले लो और पढ़ाई के 3 साल डिग्री होने तक घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थ्रू अपने फील्ड से रिलेटेड इन डिमांड कोर जॉब स्किल्स सीख जाओ। BSc डिस्टेंस एजुकेशन में पैसे, टाइम और एफर्ट सब कम लगेगा। आप इस डिग्री से वो सब कुछ कर सकते हो जो एक स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज लाइफ में 10 लाख स्पेंड करके नहीं कर पाता। तो आप मनी सेविंग और कोर स्किल बिल्डिंग दोनों करके फायदे में रहोगे। एंड हाँ, सिर्फ अच्छा कॉलेज देकर कोई भी ब्रांच मत लीजिए, इंटरेस्ट एंड पैशन वाली फील्ड ही लीजिए वरना बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वही ब्रांच चूज करनी चाहिए। आप YouTube पर अ डे इन द लाइफ ऑफ डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ये सब सर्च करके पता लगा सकते हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे होने वाली है। इससे आपको आपका रियल इंटरेस्ट और पैशन पता लगाने में हेल्प होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग कोर्स की ओर। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस फील्ड में इंजीनियरिंग तो काफी लोग कर रहे हैं, बट सही माइंडसेट और नॉलेज की कमी है। ये हाई स्कोप वाली फील्ड है जिसकी हर इंडस्ट्री में डिमांड राइज पर है। एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफशोर कंपनीज, डायग्नोस्टिक्स, बायोमेडिकल एंड कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां ECE अप्लाई होता है।
इवन इंडियन डिफेंस फोर्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए जॉब्स ऑफर करते हैं। ईसीई बायोटेक, रोबोटिक, एरोस्पेस जैसी कई ब्रांचेस के साथ मिलकर अप्लाई होती हैं। आप किसी भी हाईली प्रोग्रेसिव सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हैं। कॉमन जॉब्स में आपको सैलरी भी लो मिलेगी, 3 to 5 lakhs पर एनम के अराउंड, बट अगर आप सही इंडस्ट्री एंड राइट स्किल सेट जान ले तो आप 5 years एक्सपीरियंस में ही 25 lakh पर एनम से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और दोस्तों, राइट स्किल सेट और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस देने के लिए अन अकेडमी लाया है कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ये कोर्सेज आपको अपस्किल करके टॉप कोर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब करने में बहुत हेल्प करेंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज ये भी है कि अन अकेडमी एक कमाल का स्पेशल क्लास लेकर आ रहा है जिसमें एक टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट अपने रियल एक्सपीरियंसेस से आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने करियर को फास्ट ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप कोर इंजीनियरिंग में अपने आप अपस्किल करके करियर बिल्ड कर सकते हो, कौन कौन सी रेलेवेंट स्किल सीखनी होगी, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। ये स्पेशल क्लास सैटरडे को कंडक्ट हो रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है। आप देख सकते हो इस स्पेशल क्लास में आपको टेस्ला, यामाहा, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, बॉश, एथर जैसे टॉप कंपनीज में वर्क करने वाले डायरेक्ट सीनियर प्रोफेशनल्स आपको गाइड करेंगे जो आपको कोर इंजीनियरिंग में जॉब पाने के लिए री लेवल स्किल सेट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। सो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर सारी डिटेल्स पता करें और अन अकेडमी की इस हाईली बेनिफिशियल क्लास का हिस्सा बने। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। नंबर 3, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ऐसी कोई फील्ड, कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रोबोट्स का यूज नहीं किया जा सकता है। हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन पर पूरी तरह रिलाई करेगा। रोबोटिक इंजीनियर्स रोबोट्स को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए प्लानिंग, टेस्टिंग, क्रिएशन, रिसर्च और स्ट्रेटेजिक वर्क भी करते हैं। फ्यूचर में एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, सर्वे, हर फील्ड में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की नीड है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स और वैक्यूम रोबोट्स जैसे इनोवेशंस भी आ गए हैं। इसी डिमांड की वजह से फ्रेशर रोबोटिक्स इंजीनियर इजीली 3.5 टू 5 लाख पर एनम और लेस देन 5 इयर्स में आप इजीली 1 टू 2 लाख पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड विद PCM स्ट्रीम रिक्वायर्ड होता है। नंबर 4, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आज पूरी दुनिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्सेल कर रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ न सिर्फ एक्सप्लोर लेकिन स्पेस में लाइफ का स्कोप भी ढूंढ लिया गया है। ऐसे में एरोस्पेस इंजीनियर्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हर कंट्री अपना डिफेंस सिस्टम पावरफुल एंड एडवांस बनाना चाहते हैं। अनबिलीवेबल पावर एंड कैपेसिटी वाले मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जहां अगेन एरोस्पेस इंजीनियरिंग काम आती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, डिफेंस सिस्टम्स एटसेट्रा, इन सब को डिजाइन, टेक्नोलॉजीज डेवलप, असेंबल एंड प्लान करने में उनका हाथ होता है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी ही 7 टू 10 लाख पर एनम मिल सकती है। 4 टू 5 इयर्स के एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ आप 15 टू 20 लाख पर ईयर भी कमा सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स पास करना होता है। नंबर 5, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या फिर डिफेंस सिस्टम्स। न्यूक्लियर वेपन्स एंड बॉम्ब्स की पावर आज पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, फूड एंड एग्रीकल्चर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिसिन जैसी हर फील्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। न्यूक्लियर इंजीनियर्स का काम होता है रिसर्च एंड प्लानिंग के थ्रू ऐसे कुछ प्रोसेस, सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट बनाना जो न्यूक्लियर एनर्जी से बेनिफिट्स ला पाए। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज करके कई इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को पता करने और ट्रीट करने के लिए। न्यूक्लियर इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी ही अराउंड 95,000 पर मंथ है, जो कि काफी हाई नंबर है। आप 15 टू 16 लाख पर एनम की जॉब लेस देन 5 इयर्स में सिक्योर कर सकते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 12th स्टैंडर्ड विद PCM कंप्लीट करना होता है। नंबर 6, बायोटेक्नोलॉजी। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की एक बहुत डाइवर्स फील्ड है जिसमें हेल्थ, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फूड हर इंडस्ट्री में अप्लाई होती है। एनर्जी, पोल्यूशन कंट्रोल जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड्स हो या डिजीज रिसर्च एंड मेडिसिन डेवलपमेंट जैसे हेल्थ रिलेटेड, सभी में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप हाई है। इवन वैक्सीन्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बायोटेक के अंडर आते हैं। इसमें आपको 12th क्लास विद PCMB या फिर PCB पास करनी होती है। आप बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, बायो मेडिकल इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसे जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आप इसमें 3 टू 5 लाख पर एनम से स्टार्ट करके 3 इयर्स में 10 टू 12 लाख पर एनम तक सैलरी अर्न कर सकते हैं।
नंबर 7 मरीन इंजीनियरिंग, 2026 तक मरीन इंजीनियर्स के एम्प्लॉयमेंट 16% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है। ये एक हाईली प्रोग्रेसिव फील्ड है जिसमें शिप्स एंड अदर सेलिंग वेसल्स का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एटसेट्रा किया जाता है। इसमें वाटर कंडीशंस और सभी पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहचानकर सॉल्यूशंस पर भी वर्क किया जाता है। ग्लोबल मार्केट में मरीन इंजीनियर्स की डिमांड काफी हाई है और MNCs में जॉब्स का स्कोप वास्ट है। आप इंडियन नेवी में जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ एक ग्लोबल एक्सपोजर का मौका इस फील्ड में मिलेगा। ये एक हाईली एडवेंचरस एंड स्टेबल जॉब माना जाता है। 8 लाख एवरेज सैलरी के साथ इस फील्ड में हाईएस्ट सैलरी ऑलमोस्ट 25 लाख है, जो अगले 5 इयर्स में और राइज होने वाली है। मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 12th विद PCM की जरूरत होती है। नंबर 8 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 15-20% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल चूज करते हैं, बट फिर लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से मुश्किल से 1% स्टूडेंट्स कोई यूनिक एंड वेल पेड जॉब ले पाते हैं। रियलिटी ये है कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोप है इस फील्ड में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से रोबोटिक्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। यहाँ तक कि मरीन, रेलवे, डिफेंस सेक्टर्स में भी इनकी डिमांड हाई है। इन इंडस्ट्री में ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करके तैयारी करने की जरूरत है। नॉर्मल रोल्स में सैलरी रेंज 2-9 लाख पर एनम है। एडवांस्ड रोल्स में 20 लाख पर एनम तक भी सैलरी ऑफर की जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए यू विल नीड PCM इन 12th स्टैंडर्ड। नंबर 9 सिविल इंजीनियरिंग, अगले 10 सालों में सिविल इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट में 8% इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। रीजन है ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, जियोटेक्निकल फील्ड, इन सब में प्रोग्रेस। ये सब फील्ड्स में सिविल इंजीनियरिंग का ऑलरेडी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और फ्यूचरिस्टिक मेथड्स आने की वजह से इस फील्ड में अब आउटडेटेड नॉलेज वाले इंजीनियर्स की नीड नहीं है। नीड है हाईली स्किल्ड एंड एडवांस्ड नॉलेज वाले इंजीनियर्स की, जो इनोवेशन ला सके आने वाले सालों के हिसाब से। दैट्स वाई इस फील्ड में न्यू जॉब्स जनरेट होने वाली है और हाई सैलरीज प्रोवाइड की जाने वाली है। करेंटली नॉर्मल जॉब्स में 2-5 लाख सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, बट कुछ प्रोफाइल्स में आप इजीली 12-15 लाख तक की जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं विद सम एक्सपीरियंस। नंबर 10 केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में ढेरों जॉब्स अवेलेबल हैं। काफी वेल पेड जॉब्स निकल कर आए हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां प्रोग्रेस फास्ट है। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इन सभी इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। केमिकल इंजीनियर्स का काम होता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को डिजाइन करना, डेवलप करना एंड इम्प्रूवमेंट्स लाना। आज इवन एयर कंडीशनिंग और पावर एंड एनर्जी, हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में भी केमिकल इंजीनियरिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इनिशियल सैलरी ही अराउंड 4-9 लाख पर एनम पा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज एज हाई एज 20 लाख पर एनम भी ऑफर करती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड विद साइंस स्ट्रीम चाहिए होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हाई सैलरी जॉब्स की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। लो सैलरी जॉब्स इनमें भी मिलेंगी, पर वी रेकमेंड आप रिसर्च करके वो सब स्किल्स डेवलप करें जिनसे आपको यूनिक एंड फ्यूचरिस्टिक जॉब्स मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपने व्यूज बताएं। इन फील्ड पर लेटेस्ट वेबिनार्स, कोर्सेस, स्टडी मटेरियल्स और वेबिनार्स के लिए स्किल्स या टेलीग्राम चैनल पर हमसे जरूर कनेक्ट करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।